हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं कंसल्टेंट फार्मासिस्ट शिवशंकर पांडे फ्रॉम गोरखपुर। तो अभी अभी आपने सुना है विकास दुबे का एनकाउंटर की घटना होती में जो हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ अपराधियों की ना ही कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अगर अपराधी किसी भी जाति या धर्म से हो तो उसकी एक जाति होती है, वो अपराध करता है, वो अपराधी होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे स्पेशल टास्क फोर्स के हमारे जो भी सिपाही हमारे जो भी अधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चाहे आपकी पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या एसपी हो, बीएसपी हो, या अदर जो भी पार्टीज हैं, इनमें जो भी इस तरह के माफिया क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, यही वाकया उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, कोई भी क्रिमिनल हो, अगर वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उसके अगेंस्ट में उसके खाते को खंगालिए, उसके रिकॉर्ड को देखिए और उसको भी नेस्तनाबूद कर दीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, हम आपके इस निर्णय में हम सभी साथ हैं। हम लोग भी युवा हैं, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है। पढ़ाई लिखाई करके आज भी जब हम जाते हैं तो कहीं सिस्टम से प्रॉब्लम होती है, कहीं पर नेताओं से प्रॉब्लम होती है, कहीं पर हम लोग देखते हैं कि सिस्टम नेता अगर वहाँ होता है तो क्रिमिनल्स जो बैठे हैं उनसे प्रॉब्लम्स होती है, हम किसके पास जाएं। तो हमारी एक उम्मीद के रूप में आप उभरे हैं और हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि इस एनकाउंटर्स या इस तरह की किसी भी घटना में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर कोई भी पार्टी का नेता, चाहे किसी भी पार्टी का नेता अगर बीच में टांग अड़ाता है तो उसकी भी टांग तोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को कतई हम भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन मानसिक तौर पर आज भी गुलाम हैं हम। क्योंकि जो भी रसूख वाले लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने कब्जा जमा के रखा हुआ है। चाहे हम बात करें ग्रामीण लेवल से लगा करके और केंद्र लेवल तक भी, ये पूरा इन सबों का मायाजाल बना हुआ है। और आपको ये भी हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अगर आपकी पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में सत्तारूढ़ है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जितने भी क्रिमिनल्स टाइप के लोग होते हैं, वो जब सपा की सरकार होगी तो सपा का झंडा लेके चलते हैं, बसपा की सरकार होगी बसपा का झंडा थाम लेते हैं, बीजेपी की सरकार होती बीजेपी का झंडा थाम लेते हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार होगी कांग्रेस का, और अदर्स की सरकार होती तो अदर्स का झंडा थाम लेते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। और इस तरह के प्रवृत्ति रखने वाले लोग जो भी हों, उनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। जो भी आपको करना है करिए। हम चाहते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको यह अवसर दिया है तो आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में हम सभी खुश रहें। हमारा जीवन, कहते हैं आज़ाद भारत जैसा होना चाहिए, उस तरह के जीवन की संकल्पना जो हम लोगों ने की है उस पर हम लोग चलें। और ये तभी हो सकता है जब हमारा प्रदेश अपराध मुक्त होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान आपने संभाली है और निश्चित रूप से हर एक मुद्दों पर आप सफल रहे हैं और हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और एक लास्ट में चलते चलते एक बात और हम आपको आगाह करना चाहते हैं, वो यही है कि जैसे एक मीडिया तंत्र हमारा है, मीडिया तंत्र पे भी हमारा कुठारा घात है कि जब भी अपराधियों की बात आती है तो आप बढ़ चढ़ के दिखाते हो कि वो टॉयलेट कैसे गया, वो कैसे खाया, वो कहाँ गया, उसकी बीवी कैसी है। इन चीज़ों को बंद करिए और आप केवल विज्ञापन का केंद्र मत बनिए। जो सच्ची घटना है, जहाँ भी, चाहे वो सिस्टम से प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेताओं से प्रॉब्लम हो, या फिर क्रिमिनल से हो, सच्चाई की घटना को आप दिखाने का प्रयास कीजिए और चीज़ों को खींचने का प्रयास मत कीजिए। राष्ट्रहित के मुद्दे पर कुछ भी करेंगे, सब कुछ हम आपके साथ हैं। और अगर राष्ट्र विरोधी हरकतें होंगी तो हमारे देश का युवा, हमारे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर क्या परिणाम होगा, ये आप सोच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे एसटीएफ पुलिस फोर्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर लीजिए। ये हम लोगों की चाहत है कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त हो। और साथ ही साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जो भी पुलिस कर्मी और हमारे जो पुलिस अधिकारी जो शहीद हुए हों उनको ढेर सारी श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ से। वो उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को वह हिम्मत दें कि वह इस विपदा की घड़ी में अपने आप को संतुलित रख सकें। जय हिंद, जय भारत।